केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को आम जन को प्रेरित करना होगा। अनुराग ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित चौथी एथलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित किया। 7 दिवसीय इस पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 38 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर भी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता से मुक्केबाजों का चयन जापान के टोक्यो में वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड के लिए किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को नवरात्रि एवं विजयदशमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया का लक्ष्य भारत जैसे युवा देश को वास्तविक अर्थों में मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है। इस दिशा में हमारे खिलाड़ी सही मायनों में फिट इंडिया के दूत बनकर उभर सकते हैं। उन्होंने आशा जताई कि बद्दी में आयोजित हो रही यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता जहां देश को अनेक उदीयमान बॉक्सर देगी, वहीं लोगों में फिट इंडिया की अवधारणा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं का आह्वान किया कि वे नए भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दें और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहकर राष्ट्रहित में अपनी ऊर्जा लगाएं। इससे पूर्व दून भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। PI TV के लिए BBN से शांति गौतम की रिपोर्ट।